तेलंगाना की बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की स्कीम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों आज दोपहर होगा इफ्तिताह। तेलंगाना आरटीसी की बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम महालक्ष्मी का हफ्ता यानी आज 9 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दोपहर 1:30 बजे अहाते असेंबली में इफ्तिताह करेंगे। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने मीडिया को बताया कि खवातीन मुफ्त में रियासत में कहीं भी सफर कर सकती है। खवातीन को अपने साथ आधार या दीगर कोई भी शनाख्ती कार्ड रखना होगा जो मरकजी या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा हो, ताकि ये सबूत देखा जा सके कि खातून का ताल्लुक तेलंगाना से है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर बसों में 0 टिकट जारी किया जाएगा, उसके बाद खवातीन को महालक्ष्मी स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत एजिला में पिले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में दस्तियाब रहेगी और हैदराबाद में एक्सप्रेस बसों, आम सिटी बसों और सिटी मेट्रो बसों में मुफ्त सफर की सहूलत रहेगी। वो तेलंगाना के अंदर किसी भी मुकाम पर मुफ्त सफर कर सकती है। सज्जनार ने कहा कि इस स्कीम से आरटीसी को रोजाना 7 करोड़ रुपए की आमदनी घट जाएगी, ताहम हुकूमत इसकी पाबजाई आरटीसी को करेगी। उन्होंने कहा कि फिलवक्त आरटीसी बस में 40% खवातीन सफर करती है। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के 7,200 बस सर्विस चलाए जाएंगे। New scheme, free travel to all women and girls and third gender from tomorrow. The scheme will be launched by the Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Revant Reddy, at 1:30 PM from the assembly premises by handing over the first ticket to Nikhat Jarin, an international athlete, and also along with the Honorable Ministers, MLAs, MLCs and our Chief Secretary Srimati Shanti Kumari and also Transport Secretary Srimati Vani Prasad. The scheme will be launched in 7,292 buses and it will be applicable up to the borders of Telangana state in the city and the metro buses and also in Palle Velugu and express buses. This scheme already we have briefed all our staff including drivers and conductors by talking to them over 2 times through Zoom conference today in the morning at 6 o'clock and in the afternoon 2 o'clock. They are all aware of the scheme. They are also knows how to implement the schemes. I request all the women and also the girls and also the third gender to use this scheme effectively and make this program successful.